हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज वापस से मैं आपके साथ आया हूँ एक न्यू स्ट्रैटेजी लेके। लगातार मैं आप लोगों के लिए गाइस बेस्ट वर्किंग स्ट्रैटेजी लेके आता जा रहा हूँ ऑन द ओलम ट्रेड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप लर्न कर सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज और सीख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, ओके और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों के लगातार डाउट्स होते हैं कि सर, किस तरीके से हम एक मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप पे बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही होने वाला है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने कम से कम इंडिकेटर और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी का यूज़ करके हम प्रॉफिट बनाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है गाइस। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, मेक श्योर कि आप सही टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करें, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाके ही ज्वाइन करना। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं डेली सजेस्ट करता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क कर रही है, किस पेयर पे वर्क कर रही है गाइस, और वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं। जो भी न्यूज़ के सेशन होते हैं, न्यूज़ के वीआईपी सेशंस होते हैं, वीआईपी सेशंस की टाइमिंग वगैरह सारा कुछ वहाँ पे ही आपके सामने भेजी जाती है गाइस, जिससे कि आप सभी लोग अलर्ट हो जाएं और वहाँ पे बेनिफिट ले सकें हमारे फ्री सिग्नल्स का। ओके, टेलीग्राम टोटली फ्री है गाइस, आपको कुछ भी पे नहीं करना है हमारी सर्विसेज के लिए। ओके, मैं वहाँ शेयर करता हूँ अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को, और उसके साथ आप लोग काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो वहाँ पे जुड़ के। तो आज का ये वीडियो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, कैसी स्ट्रेटजी होने वाली है और किस तरीके से आप बना सकते हैं प्रॉफिट। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको वो इंडिकेटर्स यूज़ करूँगा जो बहुत सारे बड़े और सक्सेसफुल ट्रेडर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गाइस इंडिकेटर सेक्शन पे, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आज हम लेके आएंगे एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर जिसका नाम है ईएमए। ईएमए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही हमें यूज़ करनी है गाइस, उससे ज़्यादा कुछ भी इसमें छेड़खानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ईएमए इंडिकेटर, और ये होगा हमारा ट्रेंड इंडिकेटर। एक और हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है गाइस, आपने बहुत ही बार सुना होगा उस इंडिकेटर को, जिसको हम बोलते हैं गाइस MACD। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑक्सीलेटर सेक्शन पे, एंड ऑक्सीलेटर सेक्शन में आपको मिलेगा MACD। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसके MACD इंडिकेटर में हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, जिसको आपको यहाँ पे इस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले गाइस, आपके पास यहाँ पे है MACD लाइन, MACD लाइन को आपको करना है गाइस क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से MACD लाइन, एंड सिग्नल लाइन को आप करेंगे खत्म, एंड यहाँ पे हिस्टोग्राम को गाइस आप कर सकते हैं चेंज। तो हिस्टोग्राम को आप यहाँ जाके एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, कलर हम अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ येलो कलर। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एंड लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आप सभी को इस वीडियो के थ्रू, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस, बट ये वर्क बहुत अच्छा करती है। तो सबसे पहले हम ऐसा पेयर देखेंगे गाइस जिसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिले। सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए चार्ट सिलेक्शन। चार्ट सिलेक्शन आपको ऐसा करना है जिसमें एक ट्रेंड दिखे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेयर GBP USD। मैं यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 15 सेकंड का टाइम है, एंड 15 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे एक्सपायरी जो टाइम होगा गाइस, उसको हम रखने वाले हैं 1 मिनट का। ओके, ये देख सकते हैं आप 15 सेकंड का टाइम है यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम, और 1 मिनट एक्सपायरी हम रखने वाले हैं। देखते हैं गाइस आज मैं यहाँ से कितना प्रॉफिट बना पाता हूँ इस स्ट्रेटजी से, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये मेरा पर्सनल सेशन है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ इन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको गाइस थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है चार्ट को, और उसके बाद देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट में आप यहाँ देख सकते हैं लगातार मार्केट इस पोर्शन से पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है मार्केट के लिए। ओके, MACD में आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस कि जो ग्राफ है वो जीरो लेवल पे पहुँच चुका है, और यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, यहाँ वेट करना है, और जैसे ही हमारी जो 20 मूविंग एवरेज है गाइस, अगर मार्केट इसको कट करता है आफ्टर रेड कैंडल, तो हम वहाँ पे प्लेस करेंगे एक ट्रेड। ओके, 1 मिनट का ट्रेड प्लेस करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने क्रॉस किया था, एंड आई विल प्लेस द ट्रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा $1000 का, और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, बट उसके बाद एक सडन ग्रीन कैंडल बनी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD जीरो लेवल के नीचे जा चुका है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई। फर्स्ट चीज़ थी कि आपका जो येलो लाइन है जिसको हम 20 मूविंग एवरेज बोल रहे हैं, मार्केट उसके नीचे आना चाहिए। अगर उसके नीचे नहीं है, उसके पास भी है, बट आपका MACD डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा है, तो भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे, इसीलिए मैंने ये छोटे अमाउंट का ट्रेड प्लेस किया। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड चल रहा है, लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर ये हमें लॉस देके जाता है गाइस, तो हम यहाँ पे अपनी मिस्टेक से सीखेंगे।
और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मिस्टेक देखेंगे। अगर हम ये लॉस करते हैं तो मार्केट में जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी गाइस, आप देख सकते हैं उसका साइज देखिए, और उसके पहले जो रेड कैंडल थी उसने पूरी कोशिश की थी मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट करने की, और यहाँ पे मार्केट को उसने कट नहीं किया। अब क्या होता है गाइस, कई बार हम इस तरीके के ट्रेड लेते हैं जिसमें कि 20 मूविंग एवरेज के पास मार्केट होता है और उसके बाद सडन नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, बट कई बार मार्केट वहाँ से एक फेक सिग्नल क्रिएट करते हुए ऊपर चला जाता है। इन फेक सिग्नल्स को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इन फेक सिग्नल से अगर आपको बचना है तो आपको सिंपली आपका मनी मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, मार्केट ने वहाँ पे एक फेक सिग्नल क्रिएट किया। अब काफ़ी लोगों को क्या लगेगा कि हमारी स्ट्रैटेजीज तो सही वर्क कर रही थी, बट यहाँ पे हमें लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया। ओके, ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, मार्केट में गाइज स्ट्रैटेजी ने क्या किया कि मार्केट अब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उस लेवल को छोड़ के ऊपर की तरफ जाने लगा। आप ये देख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को छोड़ के अब मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, और यहाँ पे ये लिमिट शो हो रही है मेरे अकाउंट पे। मैं वेट करता हूँ इसको, और यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ एक ट्रेड छोटे अमाउंट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये मेरे को ट्रेड लेने नहीं देगा, मेरे को लिमिट अप्लाई हो चुकी है। आप लोगों ने भी ये लिमिट इशू देखे होंगे। चार्ट चेंज करते हैं और हम जाते हैं एशिया कंपोजिट इंडेक्स के चार्ट पे। एशिया कंपोजिट इंडेक्स के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो एशिया कंपोजिट इंडेक्स के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और ऊपर वाले रेजिस्टेंस से टच होकर नीचे की तरफ आ रहा है। हम यहाँ पे वेट करेंगे हमारी एक परफेक्ट सिग्नल का, देन वी विल प्लेस द ट्रेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है 20 मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर रह रहा है गाइस। यहाँ पे ये शो कर रहा है मार्केट कि हम एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, कंटिन्यूअसली मार्केट 20 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। बट अब क्या है, मार्केट लगातार बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा था गाइज। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये 4 से 5 बार चीज़ देखने को मिलती है तो अब आप वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा मैं बोलूँगा देखिएगा मार्केट में वैसा ही होगा। मैं यहाँ से प्लेस करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड, और मैंने यहाँ प्लेस किया गाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड, और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $4,000 के ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे $5,600 के ट्रेड प्लेस किए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा MACD का चार्ट है वो भी जीरो लेवल के नीचे आ चुका है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल जो रेड बनाई थी उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट किया था हमारी EMA को, एंड द मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट जब लगातार 3 से 4 बार किसी चीज़ को, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है, तो उसके बाद क्या होता है गाइस, लगातार उस प्रेशर के कारण मार्केट अब ट्रेंड को हल्का फुल्का चेंज जरूर करेगा, और यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने मिली। मैं 100% श्योर था क्योंकि मार्केट लगातार एक टेंडेंसी दिखा रहा था अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जा रहा था, बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कंसोलिडेशन पोर्शन था गाइज, ये वाला, ये कंसोलिडेशन पोर्शन से मार्केट ने एक ब्रेक लिया और मार्केट गया उसके बाद नीचे, और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ट्रेड्स हमें प्रॉफिट में बदलते हुए दिख रहे हैं। ओके, अभी भी क्या है, मार्केट गाइस क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ ट्रेड्स और प्लेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने वापस से देखिए ऑलमोस्ट $5,600 का फिर से प्लेस किया है ट्रेड, एंड द मार्केट विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं अभी भी MACD जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ सिग्नल दे रहा है, एंड आपका जो ग्राफ है या कैंडल चार्ट है गाइस वो भी 20 मूविंग के एवरेज के नीचे है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से ये ट्रेड प्लेस किए थे, एंड द मार्केट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो एक सॉलिड रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, एंड सॉलिड रेड कैंडल के बाद ऑलमोस्ट 1 से 2 रेड कैंडल्स और बनने के चांसेस हैं, और देखिए अगर वो ऐसा होता है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ये ट्रेड प्लेस किए हैं, एंड द मार्केट इज ट्राइंग टू गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो लगातार मार्केट यहाँ से भी नीचे जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, बट यहाँ पे वापस से मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे जाने की, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही काफ़ी लोग सोच रहे हैं और सेल कर रहे हैं उसको, और मार्केट देखो नीचे जा रहा है, एंड वी आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लगातार ये ट्रेड्स विन किए हैं ऑन द एशिया कंपोजिट इंडेक्स चार्ट बाय टेकिंग द ट्रेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट लगातार 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, बट लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखें मार्केट का गाइस तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। तो यहाँ पे अब आपको ज़्यादा देर डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड नहीं लेने। आप देख सकते हैं मार्केट वापस से 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ चुका है, एंड MACD चार्ट भी जो है वो जीरो लेवल पे है, कभी भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको वेट करना है एंड मार्केट के एक ट्रेंड को पहचानना है। जिस तरीके से मार्केट में ये लाइन्स चल रही थी गाइस, इतना सिंपल ट्रेडिंग नहीं होती कि अगर आप देखें कि आपको सिर्फ इंडिकेटर सिग्नल मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्रॉस चेक करिए ट्रेंड से, ट्रेंड लाइन से, जिससे कि आपको मार्केट में एक प्राइस एक्शन का भी विजुलाइजेशन मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने इतने सारे ट्रेड्स लिए एंड अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे वेट करूँगा मार्केट के एक न्यू डायरेक्शन में आने का।
अब मैं आपको गाइस यहाँ पे इसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड्स के कुछ प्रीवियस एग्जांपल भी दिखाता हूँ। आप इस पोर्शन पे ही देखिए गाइस, इस पोर्शन पे मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मूविंग एवरेज को टच करता हुआ जा रहा था एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था यहाँ पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही था। अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्लेस किए होते तो आप लगातार यहाँ से ट्रेड्स पे प्रॉफिट बना सकते थे। एंड MACD को मत देखिए गाइस, क्योंकि MACD बीच बीच में रॉन्ग रिजल्ट भी दे रहा था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्रॉस चेक करना चाहिए ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, एक चैनल ड्रॉ करिए जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। अब देखिए गाइस, मार्केट एक रेंज में आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मार्केट एक बॉक्स के अंदर रेंज में आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वापस से यहाँ से अपनी अपवर डायरेक्शन की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे वापस से ट्रेड प्लेस किया है अपवर डायरेक्शन की तरफ। लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब क्या करेगा, वापस से अपवर डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करेगा और इस बॉक्स को जो मैंने आपको बॉक्स बनाया इसको एक ब्रेकआउट देगा अपवर डायरेक्शन की तरफ। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है गाइस वो अपवर डायरेक्शन की तरफ ही चल रहा है। आप देख पा रहे हैं मार्केट लगातार अपवर डायरेक्शन की तरफ चल रहा है एंड ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस फिर से हैं। और नीचे भी आप देखिए MACD का जो ग्राफ है वो भी जीरो लेवल के ऊपर बन रहा है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस किया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं क्यों ये ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी में आप यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है एंड MACD भी जीरो लेवल के ऊपर है। ट्रेंड जो हमारा लॉन्ग टर्म है वो अपवर डायरेक्शन की तरफ है, अप ट्रेंडिंग चैनल है गाइस, और मार्केट सारी की सारी जो हमारी स्ट्रेटजीज में रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की एंड मेड द प्रॉफिट। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने $9,000 का प्रॉफिट बना लिया है विद इन सम मिनट्स, और ये सब पॉसिबल हो पाया अपने नॉलेज के कारण। आप लोगों को भी पहले सीखना जरूरी है, मार्केट में इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने आपको बोला, जो चीज़ मैंने बोली वो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगी गाइस, कि मैंने बोला था कि मार्केट किसी भी टाइम इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ सकता है, और मार्केट ने देखिए उस चैनल को ब्रेक किया और बाहर आया, तो वहाँ से हमें मिला ब्रेकआउट एंड वी हैव मेड द प्रॉफिट ऑन दैट ब्रेकआउट। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी गाइस, MACD को कंबाइन करना है आपको EMA के साथ। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने क्यों ये ट्रेड प्लेस किए थे और कैसे मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके प्रॉफिट बनाया। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बस ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ करिए जिससे कि आपको पता चल सके कि मार्केट अपवर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो वहाँ पर ही ज़्यादा ट्रेड लीजिए, और जब मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है और थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है गाइस, तो उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहां से एक करेक्शन लेता है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए गाइस, इस पोर्शन पे मार्केट क्या था, लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा था, ये लगातार मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और इसके बाद मार्केट ने यहां पे लिया गाइस कंसोलिडेशन। इस रेंज पे देखिए मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेशन फेस लिया, साइड बाय साइड कैंडल्स बनी और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया गाइस, और फिर मार्केट ने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया जो था अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पे, और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा और डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी इस वीडियो को दोबारा देख के। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और आप इंप्रूवमेंट देखोगे अपनी ट्रेडिंग में। बट याद रखो कि मनी मैनेजमेंट इज़ द की फॉर सक्सेसफुल ट्रेड्स, और वही चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा बैलेंस एक ही सिग्नल पर डाल दो या ऑलमोस्ट अपना 90% इन्वेस्टमेंट कर दो एक ही ट्रेड पर, क्योंकि आपको वहाँ श्योर सिग्नल मिल रहा है। कभी भी श्योर सिग्नल गलत भी हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा और आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो शेयर करना अपने अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में, और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में रिलेटेड टू दिस स्ट्रेटजी। ओके, और अगर आपको और भी चीज़ें समझनी है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मार्केट ने वापस अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया है एंड मार्केट इज गोइंग इन द अपवर डायरेक्शन। तो जैसा मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप तभी जज कर पाएंगे, पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे और आप मार्केट को रीड करना समझ जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना जिससे कि आपको एक जेन्युइन नॉलेज मिल सके और आप सीख सको लाइव ट्रेडिंग। टेक केयर गाइज़।